यार ये पूरा का पूरा मलिक नाला है, नाला मतलब पूरी तेज बहता है ये गर्मियों में, और अभी पूरा जम के पूरा शीशा हो गया है। बोर्ड देखो एक बार आप, इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी ए गामा, तो गामा मत बनो ज्यादा, ज्यादा चौधरी मत। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकोंगपियो। हमने मित्तल साहब से हम लोग मिल चुके हो कल, तो हम लोग कल पहुंचे थे रिकोंगपियो। ये हमारी विंटर स्पीति का दूसरा दिन है, तो आज हम लोग निकलेंगे और यहां से ताबो जाएंगे। ताबो यहां से 150 किलोमीटर के अराउंड है। तो यहां पे रिकोंगपियो में जो टेम्परेचर था रात को -10 डिग्री तक गया था। बाहर हमने जो पानी का गिलास रखा था वो सुबह बिल्कुल जमा हुआ था, तो नहा लिए सुबह सुबह, आगे पता नहीं नहाने को मिले नहीं मिले। तो भाई ये जो रिकोंगपियो है ये है 2200 मीटर की हाइट पे, और आज हम लोग जाएंगे तो ताबो है 3200 मीटर की हाइट पे। अब फिट में कितना होता है आप लोग देख लेना, बाकी मस्त है। और जिस होम स्टे में हम ठहरे हैं ये कौन सा कनिष्क होम स्टे है, बहुत अच्छा है होम स्टे। मैं आपको इसके ओनर से मिलवाऊंगा, बाकी अभी यहाँ से मैं एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ सामने का। तो गाइस ये देखो ये सामने का नज़ारा यार, अभी सूर्य देवता काफ़ी जोश में है, तो यहाँ पे धूप भी है ना बड़ी तेज निकलती है, और वो आपको उधर दिख रहा होगा वो है किन्नर कैलाश। तो मस्त है इस होम स्टे से जो व्यू है, ये रिकोंगपियो में है, कल्पा इससे 8 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ से जो व्यू है, मैं कल्पा में भी रुका हूँ, उससे भी मस्त व्यू है यार। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे कल्पा में एक सुसाइड पॉइंट है, अब उसको क्यों बोलते हैं सुसाइड पॉइंट वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन दिखाएंगे आप लोगों को, फिर वो देख के और फिर निकलेंगे ताबो, नाको, ताबो, फिर काजा। आज हमारा प्लान है कि ताबो में स्टे करेंगे, फिर कल काजा जाएंगे, जैसा भी होगा वो आप लोगों को नज़ारे दिखाते रहेंगे रास्ते के। हैं भाई आ रहा है मज़ा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और जो ये जो चोटी है इसको, इसके बारे में, ये किन्नर कैलाश है, किन्नर कैलाश है, और वो पार्वती टॉप है। तो गाइस वो है किन्नर कैलाश, तो इसकी ट्रैकिंग होती है, ये जुलाई अगस्त में होती है शायद, अभी तो मेरे ख्याल से कोविड की वजह से 1-2 साल से बंद है, अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी मैंने सुबह सनराइज़ का टाइम लेस बनाया था, बड़ा शानदार आया यार, गजब। लाला जी अब की बार खुलेगा तो करेंगे इसकी ट्रैकिंग है। बिल्कुल भाई साहब, सनराइज है जो बिल्कुल अल्टीमेट। सो रहा है, है? ए, रात भर जागता है, रात भर सोने नहीं दिया तूने, रात भर भूख रहा था। तो अभी नाश्ता करके निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, नज़ारे अब स्टार्ट है, बेहतरीन नज़ारे। हाँ भाई क्या क्या है? आलू पराठा, आलू के पराठे, चटनी, दही, बहुत अच्छा आ रहा है, बल्ले बल्ले हो गए भाई। तो भाई अभी नाश्ता करते हैं, आलू के पराठे, बटर, बहुत बढ़िया, दही और चाय, जिस मस्त। अभी नाश्ता करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो भाई ये है अपने धीरेंद्र भाई जिनका ये होम स्टे है, कनिष्का होम स्टे। तो ये रिकोंगपियो पांगी रोड पर, पांगी रोड पर। तो भाई आपकी यहाँ से नज़ारा तो मेरे भाई खूब बढ़िया आ रहा है धीरेंद्र भाई। तो और बताओ सरान से, यहाँ पहले भाई का था सरान में, जैसे भाई लोग आएंगे तो हम लोग तो पहले भाई का सरान में था, लेकिन अब कोविड के दौरान ये इधर रिकोंगपियो में शिफ्ट हो गए। तो कितने रूम है भाई यहाँ पे आपके? मेरे पास 6 रूम है। 6 रूम है, हाँ जी। बाकी और बताओ यहाँ के तो बारे में कुछ? बढ़िया सर, आप जैसे लोग हमारे भाई लोग आएंगे तो हमारे लिए बढ़िया और कोई चीज नहीं है। नहीं भाई, ड्यू टू रीजन कोविड के थ्रू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई होटल टाइप नहीं है, बिल्कुल टोटली घर है, घर जैसी फैसिलिटीज हैं, उतना ही घर का ही खाना है, ना कोई बाहर के मसाले, होटल वाले तेल वेल, बिल्कुल आप ये समझिए कि आप अपने घर पर आके खाना खा रहे हो। और इतना अच्छा अरेंजमेंट है, और चाय मैं कहता हूँ इनकी एक नंबर की, से भी 10 में से 20 नंबर देता हूँ मैं चाय के लिए। क्या है ये? ये खांगी विलेज है। ये अच्छा, ये क्या ये पांगी विलेज? ये पांगी विलेज गांगी खांगी खांगी। अच्छा, इसका नाम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रिकोंगपियो। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये, जो नाम पड़ा है ये रेकंग खानदान था इस घर का। अच्छा अच्छा, इस खानदान से कोई लोग थे जो ITBP वालों ने जब हायर किया ये तब पड़ा इसका नाम। अच्छा, तो चल भाई धीरेंद्र भाई निकलते हैं अब सर स्पीति के लिए,
बाकी मिलते हैं आपसे। अगर कैसे लगी थी इसकी भाई? अच्छा और पीछे से रेड लाइट से हम लोग राइट होंगे तो ऊपर मेरे 7-8 किलोमीटर है ना कल्पा। हाँ तो अभी वहां चलते हैं, सुसाइड पॉइंट है वो देख के और फिर निकलेंगे हम ताबो की तरफ। तो भाई अभी निकल रहे हैं रिकोंगपियो से। ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, ठीक है धीरेंद्र भाई, बाय बाय। तो अभी कल्पा में सुसाइड पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे ताबो के लिए, पू होते हुए नाको और ताबो, मजा आएगा। चलो भाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तो भाई ये है रिकोंगपियो, सामने का नज़ारा आप देखो, ये अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पे, कोई भी जरूरत का सामान सारा यहाँ पे मिल जाएगा इजीली। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बढ़िया मार्केट है। तो ये किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो गाइज अभी हम रिकोंगपियो से 8 किलोमीटर ऊपर आए हैं कल्पा। तो रिकोंगपियो है 2200 मीटर, 7,500 फीट के अराउंड है, और ये है 8 किलोमीटर में ही 10,000 फीट की हाइट है, 3,000 फीट के अराउंड है ये, 3,000 मीटर सॉरी, और 10,000 फीट है, और साथ मेरे ख्याल से 15 मिनट का रास्ता होगा। इतने में ही क्या बताऊँ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, नज़ारे बदल गए, मज़ा ही आ गया भाई। नज़ारे आप लोग देखो एक बार यार, यार क्या शानदार है यार, मस्त। ये सारा रोड आप देख रहे होगे, तो अभी धूप निकली हुई है तो सही है, अदरवाइज पूरी ब्लैक आइस हो जाती है। और ये सामने पूरी आपको किन्नर कैलाश रेंज दिख रही है, ये फोटोग्राफी चल रही है। हाँ भाई लाला, ओ भाई साहब बिल्कुल बजा है, समा बन गया है लोंडे, ओ बिल्कुल अल्टीमेट। 15 मिनट में रिकोंगपियो से यहाँ पे 15 मिनट में ही बदल गया है, पूरे में स्नो है भाई, पूरे में स्नो है, पूरा स्नो से कवर है। तो आगे 3-3.5 किलोमीटर पे सुसाइड पॉइंट है, तो वहाँ जाएंगे, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी आप लोग भी आओ यार। तो गाइस ये देखो रोड देखो एक बार यार, पूरा वाइट है, पूरा बिल्कुल ब्लैक आइस है, पूरा वाइट। और ये नज़ारे लाला जी, जिंदगी जी लो, ये देखिए उधर जी जा रही है भाई साहब, उधर किन्नर कैलाश रेंज पूरी, अद्भुत नज़ारे हैं भाई, अद्भुत। तो भाई हम लोग आ गए हैं सुसाइड पॉइंट पे, ये है सुसाइड पॉइंट भाई। अब इसका नाम सुसाइड पॉइंट क्यों है पता नहीं है, लेकिन पहले ये ग्रिल नहीं थी यहाँ पे, मैं आया था 2-3 साल पहले तो ये ग्रिल नहीं थी, अब ये ग्रिल लगा दी तो जो सुसाइड पॉइंट का रोमांस था वो सारा ख़त्म हो गया, लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से ना नीचे देखते तो बहुत गहरा है। अभी रेलिंग लगा दी, अब क्यों लगाई कुछ पता नहीं भाई। आई लव किन्नौर। तो गाइज हम लोग आ गए हैं कि अभी कल्पा रिकोंगपियो से नीचे, तो ये जो लेफ्ट में जा रहा है ये जाएगा काजा की तरफ और ये सीधा शिमला निकल जाता है। तो अभी हम 4-5 किलोमीटर पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि पेट्रोल पंप है 4-5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से डीजल लेना है क्योंकि इसके बाद फिर काजा में ही है पेट्रोल पंप, तो यहाँ से टंकी फुल करवाएंगे पीछे से और फिर निकलेंगे। बाकी ये साथ में सतलुज नदी है, धूप बहुत बढ़िया खिली हुई है और भाई रोड बहुत अच्छे हैं, रोड का तो है नहीं पंकज, बहुत बढ़िया रोड है। मैं आया था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कोई इतने अच्छे नहीं थे लेकिन अब बड़े शानदार रोड है भाई, रोड का। तो भाई वो डीजल फुल करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ के बाद फिर काजा में ही है, तो रात को हम लोग आए थे तो पेट्रोल पंप बंद हो गया था, तो अभी इसलिए 5 किलोमीटर वापस आया है। यहाँ पे जो डीजल का प्राइस है ना वो है 82 रुपीज़ 21 पैसे, जो कि अदर स्टेट से काफ़ी सस्ता है, दिल्ली में मेरे ख्याल से 86 है, तो 4-5 रुपये का फ़र्क है। तो भाई
टंकी होगी फुल और अब निकल रहे हैं काजा के लिए। तो आज का स्टे करेंगे हम लोग ताबो में, तो टाइम हो गया 12:30, थोड़े से लेट हैं हम लोग क्योंकि कल्पा चले गए थे। बाकी देखते हैं रोड कैसा है, जितना टाइम भी लगेगा आप लोगों से रास्ते में तो बात करते ही रहेंगे। तो नज़ारे अलग टाइप के शुरू होने वाले हैं। अभी तक तो आप लोगों ने हरे ग्रीन पहाड़ देखे जिनमें खूब पेड़ पौधे हैं, अब आप दूसरे टाइप के पेड़ पौधे देखने वाले हो। चलो भाई, जय माता दी, जय माता दी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो भाइयों ये है, ये जो लेफ्ट में रास्ता गया है ये कल्पा पांगी रिकोंगपियो, और ये देखो नाको 86। तो ये जा रहा है भाई काजा की तरफ। तो लेट्स द जर्नी बिगिन। विंटर स्वीति यहाँ से स्टार्ट होता है, अलग रोमांच। बिल्कुल, अब है टफ टेरेन, अब आगे सारा का सारा बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। मे बी हो सकता है हमें स्नो चेन यूज करनी पड़े। भाईयो यहाँ से ये अपनी हिमाचल परिवहन भी चलती है, देवभूमि हिमाचल की बसें, तो अगर कोई आना चाहे तो इनसे भी जा सकता है, ये भी जाती है, बढ़िया सर्विस है इनकी, रिकोंगपियो से चलती है तो आगे काजा तक जाती है। तो भाईयो ये देखो रोड यार क्या शानदार है, कमाल, पहाड़ को काट कर और बिल्कुल छतरी की तरह बना भाई। तो भाइयों ये बीआरओ और भारत सरकार को सैल्यूट है सबसे, क्योंकि बीआरओ ही मेंटेन करती है। तो भाई एक बिग सैल्यूट है जो ऐसी जगह पे इस टाइप से रोडों को मेंटेन, और बड़े शानदार रोड है, डबल ए, मतलब इतना अच्छा रोड है ना, मजा ही आ गया भाई। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना शानदार रोड मिलेगा, कमाल हो गया। ये देखो गाइस ये क्या शानदार झरना बह रहा है, आगे झरने जमे हुए मिलेंगे, ये रोड के साथ में ही बिल्कुल ये रोड पे हम लोग गिर रहा है। और ये देखो आइस जमी हुई सारी मस्त। अभी हम लोग स्पिलो है यहाँ से 18 किलोमीटर, और नज़ारे क्या ही कहें यार। ये पहले, ये पहले नहीं था ये जो पुल बनाया है, अच्छा नया बनाया, तो ये नया बनाया बिल्कुल पहले ना, देखो वो वाले उस वाले वो जो पुल दिख रहा है ना उस वाले से गए थे हम लोग, ठीक है। ये तो सकरा सा था, हाँ ये सकरा सा पहले ये था, अब ये नया बना दिया। तो भाई डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, कोई कुछ भी बोले भाई, जो बात है कहने की वो तो कही जाएगी नहीं भाई। तो गाइस ये देखो ये बिल्कुल अलग टाइप के पहाड़, ड्राई पहाड़ स्टार्ट हो गए, और ये सतलुज नदी, और भाई ये जो रोड है इतना शानदार बना रखा है यार, इतना शानदार। तो मैं एक बार है ना इन लोगों को है ना जो ये मेंटेन करते हैं, देखो यार सरकार तो पैसा देती रहती है, सरकार तो हर जगह पैसा देती है, लेकिन हम सबको पता है कि पैसा देने के बाद भी बहुत जगह क्या हालात होते हैं, लेकिन भाई इन लोगों ने जो मेंटेन करके रखा हुआ है ना वो भी गजब की बात है, और स्पेशली वुमेन है देखो, हाँ हिमाचल की। अब मैं आप लोगों को है ना थैंक यू बोलने आया हूँ स्पेशल, भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, नमस्ते। और ये रोड है ना इतना अच्छा से मेंटेन करके रखा हुआ है ना, भी सरकार तो पैसे देती है लेकिन आप लोगों की मेहनत है ना भाई, सही में तो आप लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट है भाई, और बिल्कुल नारी शक्ति नारी शक्ति बोला जाता है। हाँ बहुत बढ़िया नज़ारे भाइयों इस टाइप से हैं। चलो जी ठीक है जी। तो भाइयों गाड़ी अपनी खड़ी है, तो यार ऐसे लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहित करना ही जरूरी है, ठीक है ये रोजगार भी है इनका, लेकिन यार ईमानदारी से करते हैं ये अपना काम। ले आए मिल गई ऐसी कोई चीज़। चलो तो भाइयों ये स्पिलो है, स्पिलो करके जगह है, तो यहाँ पे खाने वाने के ऑप्शन है, मेडिकल स्टोर भी है, तो आप लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, लंच वगैरह भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। बाकी नज़ारे उस समय, तो हम लोगों को थोड़ा सर दर्द हो रखा था भाई को, तो उसकी मेडिसिन लेने गया था। चल फिर चल चलते हैं। ये देखो जी झरना, और सीधी झरने में गाड़ी, सीधी झरने में गाड़ी, कमाल अल्टीमेट। ये देखो झटके, ये देखो झटके, डाना डाना बैक भी करके लेके आ, एज इट इज
और ये टाटा हैरियर की नेचुरल वॉशिंग है, ये आपको कभी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ले आ ले आ और आन दे आन दे आन दे आन दे और जान दे और जान दे। ये बात, ये देखो टाटा हैरियर। गाइस हम लोग पहुंच गए खाब संगम। खाब संगम मतलब यहाँ पे सतलुज और स्पीति रिवर जो स्पीति से आती है और सतलुज जो तिब्बत से आती है उनका संगम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं खाब संगम। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ, धूप बहुत तेज है। तो गाइस यहाँ पे जो धूप निकल रही है ना बड़ी तेज़ है, सूरज देव तो बिल्कुल सामने है, ये सनग्लास लगाने के बिना यहाँ पे देखना है ना बिल्कुल ओखा हो जाएगा, तो सनग्लास ज़रूर लगा आप लोग यहाँ पे आओ। तो बाकी मैं आप लोगों को अभी संगम दिखाता हूँ, और यहाँ पे एक ढाबा भी है जहाँ पे आप लोग स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाइयों ये है सतलुज नदी जो तिब्बत से आती है, और उधर आप लोगों को दिख रही होगी वो है स्पीति रिवर जो स्पीति से आती है, और इनका संगम होता है यहाँ पे। तो संगम में क्या होता है, जो बड़ी नदी होती है उसके आगे उसी के नाम से चलती है, तो जो स्पीति है वो छोटी नदी है और सतलुज बड़ी है, तो इसके आगे ये दोनों मिलके और सतलुज नदी ही है जो जाती है और बाद में सिंध में पंजाब में मिल जाती है। बाकी ये यहाँ पे ढाबा है, तो आज तो बंद है यार, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलती है क्योंकि टूरिस्ट कम है। बंद है क्या भाई साहब? बंद है, खुला हुआ है? खुला हुआ है ना, खोल दोगे ना? चलो आते हैं हम लोग। तो ये है भाई, तो भाइयों मैगी, अभी मैगी खा रहे हैं और इस नज़ारों के साथ, तो अभी मैगी फिनिश करते हैं। लाला जी खींच ले फिर। हाँ, मजा आ गया। मिस मैच। तो फिर निकलते हैं। हम लोग निकल रहे हैं अभी खाब संगम से, तो नाको है, एक घंटे का रास्ता है नाको का, तो अभी ये जिग जैग हमें पूरी हाइट तक जाना है, तो मजा है यार। तो गाइज नाको पहुंचने वाले हम लोग, नाको है 8 किलोमीटर, चलने का मन ही नहीं कर रहा है यार, जहाँ मन कर रहा है वहीं रुक रुक के चल रहे हैं। 12:30 बजे हम लोग निकले थे, तो टाइम 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी ताबो पहुंचना है, तो वहां से वो रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, वहां से होते 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 ऊपर, और ये व्यू गजब है यार, मेरे पास शब्द नहीं है भाई, मैं क्या कहूँ। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं नाको, तो यहाँ पर ये 2-3 ढाबे हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपना लंच वगैरह कर सकते हो, और ये मेरे पीछे है नाको विलेज, ये है नाको। तो यहाँ पे लेक है, नाको लेक, और मोनेस्ट्री है जो बढ़िया है, लेकिन अभी टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, तो हम लोगों को ताबो पहुँचना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आते वक्त देखेंगे। तो भाई निकल रहे हैं, धूप इतनी तेज यार, फिर भी इतनी ठंड लग रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है चिलचिलाती हुई, तो -7-8 डिग्री तो टेम्परेचर है ये भी, तो 2 घंटे का रास्ता है तब होगा, निकलते हैं अभी। तो गाइज ये है मलिंग नाला, ये देखो बिल्कुल फ्रोजन है, बिल्कुल ही फ्रोजन है यार, पूरा झरना जमा हुआ है। ये गर्मियों में बड़ी दिक्कत करता है भाई, बड़ा खतरनाक है ये, बहुत तेज पानी आता है रोड पे, तो बड़ी दिक्कत करता है। ये हिमाचल टूरिज्म की बस है जो टॉप हो जाएगी, मस्त यार मस्त। तो गाइज ये देखो, ये बिल्कुल शीशा है यार, ये पूरा का पूरा मलिंग नाला है, नाला मतलब पूरी तेज बहता है ये गर्मियों में, और अभी पूरा जम गया और पूरा शीशा हो गया है, जैसे शीशा होता है ना बिल्कुल जम गया है, बड़ी दिक्कत करता है भाई ये। चलो लाला जी चलो, ये देखो भाई, नीचे भी बिल्कुल जमा हुआ है, ये बिल्कुल नीचे तक बिल्कुल रिवर। तो गाइस ये देखो क्या रास्ता है, और ये बोर्ड देखो एक बार आप, इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी ए गामा, तो गामा मत बनो, ज्यादा चौधरी मत बनो, बड़ा बढ़िया एंजॉय करो नजारों को और सुख शांति से चलो, ज्यादा फैलो मत, क्योंकि ये जो नेचर है ना इसके सामने किसी की नहीं चलती है। पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ यार, ये देखो, ये देखो, अभी हम लोग हैं यहाँ पर,
ये रहा सुन दो, ये हमारी गाड़ी रही और ये रहा चाइना। चाइना बोले तो तिब्बत है, तो हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे ही चल रहे हैं। तो भाई ये है कुछ, बाकी ये यहाँ पे है ना आर्मी एरिया ये है सुन दो, और तब वो यहाँ से 30 किलोमीटर। हाँ क्या नाम है तेरा हैं? कि मेरा नाम है जय और वीरू। चलो बाय बाय। तो गाइस ये यहाँ से आप लोगों को ये गेट दिख रहा है ना, ये तो ये इधर से 3-4 किलोमीटर पे है ग्यू विलेज। आते वक्त दिखाएंगे आप लोगों को, तो वहाँ पे 500 साल पुरानी मम्मी है जिसके बाल भी बढ़ रहे हैं, नाखून भी बढ़ रहे हैं ऐसे बता रहे हैं। तो अभी टाइम 5:30 हो गए, तो हम लोग तब पहुँचना जरूरी है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये आते वक्त दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइज हम लोग अभी तापो पहुंचने वाले हैं। मैंने अभी ये मिरर थोड़ा गंदा था तो मैंने पानी चला दिया वाइपर के लिए, और वो साथ के साथ जम गया, ये बिल्कुल जम गया। तो अब इसको साफ करना पड़ेगा, तो आप लोग आओ। बड़ा जम गई तो इसको साफ करने की पानी मत चलाना यार, क्योंकि जम गया अभी से जम गया। देखते हैं। तो गाइज ये देखो ये बिल्कुल जम गया, विजुअल बिल्कुल खत्म। अभी ब्लोअर चलाया है उससे शायद मेल्ट हो, क्योंकि साफ कर रहा था कपड़े से तो साफ भी नहीं हो रहा था। शीशा बन गया यार। हाँ बिल्कुल शीशा बन गया। तो कृपया करके आप भी ध्यान रखें इस बात का। अभी ये ब्लोअर चलाया है तो उससे थोड़ा मेल्ट हो गई है, फिर चलेंगे आगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए तब, टाइम हुआ है 6:30। तो हम लोग 12:30 बजे रिकॉम्पियो से निकले थे, तो 6-6.5 घंटे के राउंड लगे हमें, आराम से आए थे हम लोग रुकते हुए। बाकी बाहर टेम्परेचर अभी है -11 डिग्री, रात को बोल रहे हैं -25 तक जाएगा। तो अभी बाहर तो बहुत ठंड है, रूम में भी बहुत ठंड है यार। ये हमने लिया है मैत्री होम स्टे है ताबो में, ये मैट्रेस हैं जो, तो ये इलेक्ट्रिक वाले हीटर वाले हैं। तो अभी तो मैं इनके डाइनिंग एरिया में एक हीटर लगा रहता है जिसको बुखारी बोलते हैं, तो अभी वहां जा रहा हूँ, वहीं पे काम चलेगा, बहुत ठंड लग रही है। तो बाकी कल हम लोग निकलेंगे काजा के लिए, तो नज़ारे में आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा, अभी अंधेरा हो रखा है तो कुछ दिखे नहीं। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।